महादेव कहते हैं कि धोखे ने ही सिखाया है कि सब दिखावे के अपने होते हैं। धोखेबाज लोगों के अंदर एक बड़ी अच्छी खूबी होती है कि वो बहुत मीठा बोलते हैं। आजकल के रिश्तों के लिए सबसे खतरनाक वो लोग हैं जो अपनों के खिलाफ कानों में जहर घोलते हैं। अगर किसी की गलत बात भी आपको अच्छी लगती है तो वो प्यार नहीं बल्कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ही खो चुके हैं। हम बात खत्म नहीं करते बल्कि रिश्ता ही खत्म कर देते हैं। चुप रहना अच्छा होता है लेकिन जब आपके साथ अन्याय हो तब आपको अपने हक के लिए जरूर बोलना चाहिए। झूठ सुनने में भी मजा तब आता है जब सच आपको पहले से ही पता हो। कहीं भी फिट हो जाने को लाइफ सेट होना नहीं कहते। जहां आपको हर बार एडजस्ट करना पड़ता हो तो समझ लीजिए आप वहां के लिए बने ही नहीं हैं। आपके इरादे इतने कमजोर कभी नहीं होने चाहिए कि लोगों की बातों में आकर टूट जाए। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गिराने वाले अगर अपने हों तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। आज के जमाने में लोग आपकी कदर तब करते हैं जब उनको आपकी जरूरत होती है। खुश रहना सीखो इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। लौटते वो लोग हैं जो रूठ कर चले जाते हैं। टूट कर जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। जो अपनों के सताए होते हैं, अपनों के ठुकराए होते हैं, वो बहुत कठोर हो जाते हैं, दिल से भी और बोली से भी। उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है पर न जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले ही रहना सीखो। मोहब्बत और नफरत कहने को तो दो मामूली शब्द हैं लेकिन यही दो शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी बना सकते हैं। समय बताने वाले तो बहुत मिलेंगे लेकिन समय पे काम आने वाले बहुत कम मिलेंगे। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं अपनी जिंदगी में। मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ बोलने वाले भी। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व खो देती हैं। मुझे ना झुकने का शौक है ना झुकाने का शौक है। कुछ एहसास दिल से जुड़े हैं बस उन्हें निभाने का शौक है। दिखते तो यहाँ सभी इंसान हैं, बस फर्क इतना है कि कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्मों को भरते हैं। फिर से उसी मोड़ से शुरू करनी है जिंदगी जहाँ सारा शहर अपना था और तुम अजनबी थे। जब आप बोलते कम और सुनते ज्यादा हो तो आप लोगों को ज्यादा पसंद आने लगते हो। अरे मन होना चाहिए किसी से बात करने का, वक्त तो अपने आप मिल जाता है। जिंदगी में पछताना छोड़ो बल्कि कुछ ऐसा करो कि आपको छोड़ने वाला पछताए। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करो। ये दोनों ना दोबारा आते हैं ना दोबारा मौका देते हैं। ऐसे लोगों से संभल कर रहना जो आपके सामने आपके साथ हैं और आपके पीछे आपके खिलाफ हैं। कभी कभी समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है। प्यार करना एक कला है और ये प्यार कभी मत करना, ये मेरी सलाह है। इतने अफसोस की बात है जब कहीं वफादारी का जिक्र होता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं। ना हक दो किसी को इतना कि आपको तकलीफ हो जाए और ना वक्त दो इतना किसी को कि उसको गुरूर हो जाए। करेले से कड़वे लोग कई बार मुसीबत में काम आ जाते हैं और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। जिन्हें आपके दर्द का एहसास ही ना हो उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। जिंदगी कितनी भी बुरी क्यों ना हो जब तक कोई अपना साथ देता है तब तक सब अच्छा लगता है। हर इंसान की दो कहानियां होती है, एक वो जो सबको सुनाता है और दूसरा वो जो सबसे छुपाता है। मौन सबसे अच्छा जवाब है उस इंसान के लिए जो आपके शब्दों का मोल नहीं समझता है। जीवन में आप अपने आप को मजबूत बनाइए। दूसरों के भरोसे बैठे रहना
आपको बर्बाद कर देगा। मेरा गुस्सा और मेरा प्यार सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें मैं अपना समझता हूँ। लोग हमेशा उसे खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं है। जिंदगी में चाहे आप 10 बार फेल हो जाओ या 100 बार फेल हो जाओ, पर कसम खा लो कि अपनी जिंदगी में आम आदमी बनकर नहीं जीना है। प्रेम बहुत दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। डर बहुत भयानक है, उसका सामना करना सीखो। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान को तभी होती है जब वो खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से कहीं बेहतर है। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है, बदला जिसे अपना दर्द बताओ वही मजा लेता है। सबको अच्छा समझ लेना ये मेरी सबसे बुरी आदत है। आपके पास बस पैसा होना चाहिए, क्योंकि भावनाओं की यहाँ किसी को कोई कदर नहीं है। जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीजों से संतुष्ट नहीं है, उसे भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी कभी संतोष नहीं होगा। दूसरों को अगर अपनी जिंदगी में कीमती बनाओगे तो आप खुद उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाओगे। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जितनी गिराओगे, लोग आपको उतना ही और मजबूर करेंगे। बुरा वक्त आपको कमजोर नहीं बल्कि चैंपियन बनना सिखाता है। बस यही फर्क है हम दोनों में। वो हमें फुर्सत में याद करते हैं और हमें उनकी यादों से फुर्सत नहीं मिलती। वो तुम नहीं, मेरी उम्मीदें थी जिसने मेरा सबसे ज्यादा दिल दुखाया था। प्यार वादों से नहीं, एहसास से कायम रहता है। खुश दिखने की जबरदस्ती में इंसान और भी ज्यादा उदास हो जाता है। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। चाहे कोई कितना भी आपका अपना हो, लेकिन सबसे पहले वो अपना फायदा ही देखता है। अक्सर गुम हो जाया करते हैं पुराने रिश्ते एक नए रिश्ते में बन जाने के बाद। कुछ लोग झूठ भी इतने विश्वास के साथ बोलते हैं कि आप पहचान ही नहीं पाते कि वो इंसान आपसे झूठ बोल रहा है। लोगों को आपकी कदर तब होती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। विश्वास जीतने में तो पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक पल ही काफी होता है। बदलना तो तय है, हर चीज बदलती है। किसी का दिल बदल जाता है और किसी के दिन बदल जाते हैं। लोग इत्तफाक से सिर्फ मिलते हैं, लेकिन बिछड़ते सब अपनी मर्जी से हैं। भूलना सीख लीजिए जनाब, इसी में आपका फायदा है, क्योंकि ये दुनिया भी आपके साथ यही करने वाली है। एक वक्त के बाद या तो दर्द खत्म हो जाता है या इंसान ही खत्म हो जाता है। चरण उनके छूने चाहिए जिनके आचरण पवित्र हों। किसी की आदत होना मोहब्बत होने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। जो चीज आसानी से मिल जाती है ना, इंसान उसकी कभी कदर नहीं करता। मतलब के रिश्ते जितने जल्दी बनते हैं उतने ही जल्दी टूट भी जाते हैं। घमंड और अहंकार की वजह से इंसान खुद ही अपने रिश्तों को बिगाड़ लेता है। इंसान कभी भीड़ में नहीं खोता, इंसान खोता तब है जब वो अकेला होता है। कमजोर होते हैं कुछ इंसान, जहां गुस्सा आना चाहिए वहां पर रो देते हैं। कभी कभी बहुत कुछ होता है बोलने को, लेकिन मन की बात मन में ही रह जाती है। मैंने कभी किसी को आजमाया ही नहीं, जितना प्यार दिया उतना प्यार कभी पाया ही नहीं। किसी को मेरी भी कभी कमी महसूस हो, शायद खुदा ने ऐसा मुझे बनाया ही नहीं। आप चाहे कितना भी शिद्दत से निभा लो रिश्ते, लेकिन बदलने वाला इंसान फिर भी बदल जाता है। भूलने वाले तो सारे बच गए, मर तो वो गए जो अपनी मोहब्बत को भुला न सके। सच्चे दिल से टूटकर चाहने वाले आखिर में अक्सर खुद ही टूट जाते हैं। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा, रिश्तों और हालातों से मैचिंग बिठा लीजिए, आपकी पूरी जिंदगी सुंदर हो जाएगी। झूठी उम्मीद देने से बेहतर है कि सच बोलकर आप मना कर दो। जिंदगी में गलत फहमी रखना गलती करने से ज्यादा खतरनाक होता है। अगर आप खुश रहना चाहते हो तो अपनी जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर लें। दुनिया को देख कर अगर फैसले करोगे
तो हमेशा दुखी रहोगे। जिंदगी होती तो अपनी ही है, पर इसे जीना दूसरों के लिए पड़ता है। लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्या ही पैदा करते हैं, इसलिए धागे को लपेट कर और जुबान को समेट कर